तमिल पुतलाड़ू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप सबका प्यार है, मेरे तमिल भाइयों बहनों का स्नेह है कि आज आपके बीच मुझे तमिल पुतांडू को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। पुतांडू प्राचीनता में नवीनता का पर्व है। इतनी प्राचीन तमिल संस्कृति और हर साल पुतांडू से नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते रहने की ये परंपरा वाकई अद्भुत है। यही बात तमिलनाडु और तमिल लोगों को इतना खास बनाती है। इसलिए मुझे हमेशा से ही इस परंपरा के प्रति आकर्षण भी रहा है और इससे एक भावात्मक लगाव भी रहा है। मैं जब गुजरात में था तो जिस मणिनगर विधानसभा सीट से मैं एमएलए था, बहुत बड़ी संख्या में तमिल मूल के वो लोग वहां रहते थे, वो मेरे मतदाता थे, वो मुझे एमएलए भी बनाते थे और मुझे मुख्यमंत्री भी बनाते थे। और उनके साथ जो मैंने पल बिताए वो हमेशा मुझे याद रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जितना प्यार मैंने तमिलनाडु को किया है, तमिल लोगों ने हमेशा उसे और ज्यादा करके मुझे वापस लौटाया है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार लाल किले से मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी। जो जितना प्राचीन होता है वो उतना ही टाइम टेस्टेड भी होता है। इसलिए तमिल कल्चर और तमिल पीपल, ये दोनों स्वभाव से ही इटर्नल भी है, ग्लोबल भी है। फ्रॉम चेन्नई टू कैलिफोर्निया, फ्रॉम मदुराई टू मेलबोर्न, फ्रॉम कोयम्बटूर टू केमटाउन, फ्रॉम सेलम टू सिंगापुर, यू विल फाइंड तमिल पीपल हु हैव कैरिड विद देम देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। बीट पोंगल और पुतांडू, दे आर मार्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमिल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ दिस। तमिल लिटरेचर इज ऑल्सो वाइडली रिस्पेक्टेड। द तमिल फिल्म इंडस्ट्री हैज गिवन सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वर्क्स टू अस। साथियों, फ्रीडम स्ट्रगल में भी तमिल लोगों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी तमिलनाडु के लोगों की प्रतिभा ने देश को नई ऊंचाई दी है। सी राजगोपालाचारी और उनकी फिलॉसफी के बिना क्या आधुनिक भारत की बात पूरी हो सकती है? के कामराज और सोशल वेलफेयर से जुड़े उनके काम, उसको हम आज भी याद करते हैं। ऐसा कौन सा युवा होगा
जो डॉक्टर कलाम से प्रेरित न हुआ हो, मेडिसिन, लॉ और एकेडमिक्स के क्षेत्र में तमिल लोगों का योगदान अतुलनीय है। मैं मन की बात में भी अक्सर तमिलनाडु के लोगों के कितने ही योगदानों की चर्चा कर चुका हूं। साथियों, भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, अनेक अकाट्य साक्ष्य हैं। इनमें से एक अहम रेफरेंस तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में उत्तीर मेरुर नाम की जगह बहुत विशेष है। यहां 1100 से 1200 साल पहले के एक शिलालेख के उसमें भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। यहां जो शिलालेख मिला है वो उस समय वहां की ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। इसमें बताया गया है कि असेंबली कैसे चलनी चाहिए, सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस युग में भी उन्होंने तय किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। सैकड़ों साल पहले की उस व्यवस्था में लोकतंत्र का बहुत बारीकियों के साथ विवरण मिलता है। साथियों, तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है